बढ़िया क्या है, सीखी तारा है। प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स, इस बार कितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं? 5। एंडिंग ऑन 31 मार्च आर एस फॉलो। तो देखो मैं ईयर नहीं बोलूंगा, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ सीधा, 4,03,98,000, 4,50,000, 4,45,000 एंड 5 लाख। ये 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। चलो 5 साल के प्रॉफिट तो समझ में आते हैं। अब जरा लास्ट में देखो, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। बताओ ईयर्स परचेज कितनी दे रखी है? मैंने बताया था ईयर्स परचेज से पहले देखे करो क्या लिखा हुआ है। ईयर्स परचेज से पहले क्या लिखा हुआ है? 4। कितने साल की ईयर्स परचेज है? 4 साल की। और लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है? 5 साल का। ध्यान से सुनना, कई बार है ना क्वेश्चन कई सालों का प्रॉफिट दे देता है, मतलब ज्यादा सालों का प्रॉफिट दे देता है, लेकिन एवरेज निकलवाता है कम की। बच्चों को आदत पड़ी हुई होती है कि क्वेश्चन ने जितना प्रॉफिट दिया है ना, निकाल दो सबकी एवरेज। 6 साल का प्रॉफिट दिया है, 6 साल की एवरेज निकाल दो। 10 साल का प्रॉफिट दिया है, 10 साल की एवरेज निकाल दो। नहीं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो, क्या पता क्वेश्चन ने हमें 7 साल का प्रॉफिट दिया है लेकिन एवरेज कितने की निकलवाई है? 4 साल की, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तुम 7 साल की निकलवाई है और सॉल्यूशन में क्या था? 4 साल की एवरेज निकालनी थी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े करो, प्रॉफिट देखते के साथ ही एवरेज मत निकाले करो, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करो। पहले तुम इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एवरेज निकालते हैं भाई। और कितने साल की एवरेज निकालनी है? 5 सालों की। देखो लिखा हुआ है लास्ट में, देखो 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, कितने साल की एवरेज प्रॉफिट निकालना है? 5 साल का। तो मेरे कहने से ना फॉर्मूला जरूर लिखो, मेरे कहने से फॉर्मूला जरूर लिखने की आदत डालो बार बार, जब तक ये चैप्टर चलेगा जितना ज्यादा हो सके फॉर्मूले को लिखने की कोशिश करो। तो देखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, तुम्हें मालूम है क्या होता है फॉर्मूला? टोटल प्रॉफिट आएगा ऊपर, तो टोटल प्रॉफिट तो आ गया ऊपर, और नीचे हमेशा क्या आते हैं? नंबर ऑफ इयर्स। नीचे आएंगे नंबर ऑफ इयर्स। तो देखते हैं भाई टोटल प्रॉफिट कितना बनेगा। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना बनेगा? 3 5 सालों का जोड़ दो। देखो 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000। तो देखो मैं तो जोड़ देता हूँ भाई कैलकुलेटर से, मैं क्यों मेहनत करूं, टेस्टिंग मेरी थोड़ी ना है, तुम देख सकते हो मैं कैलकुलेटर से जोड़ रहा हूं। तो देखो 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस फिर 4,50,000 और फिर 4,45,000 और फिर तुम्हारा 5 लाख, तो ये आ रहा है तुम्हारा 21,93,000। 21,93,000 मतलब 21,93,000 भाई, मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है। तुम लोग अपना कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इसका तो सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास जो मैं चेक करके बताऊं। हाँ एवरेज बनाने के लिए 5 से और डिवाइड देना है, तो इसको 5 से डिवाइड दे देंगे। अब 5 से डिवाइड देने के बाद आ रहा है 4,38,600, है ना, 4,38,600। तो देखो एवरेज प्रॉफिट निकल आया मेरा। अब एवरेज प्रॉफिट के बाद गुडविल बनानी है, और तुम्हें मालूम है गुडविल का एक फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट को मेरे कहने से बार बार फॉर्मूला लिखे करो। ये जो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ना एपी, तुम लोग शॉर्ट में मत लिखा करो, ना तो टेस्ट में ना ही पेपर में, तुम लोग पूरा पूरा लिखने की आदत डालो। तो एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे ईयर्स परचेज से। किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं? ईयर्स परचेज।
हाँ एवरेज प्रॉफिट अभी अभी निकाला था ये रहा 4,38,600, 4,38,600। और ईयर्स परचेस क्वेश्चन ने एंड में दे रखी थी, देखो मैं लास्ट वाली लाइन फिर से पढ़ रहा हूँ। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेस। कितनी ईयर्स परचेस है? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई दे दो भाई इसकी। हाँ 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए 11,17,54,400। सही है, हमारी गुडविल क्वेश्चन में यही आ रही है, 17,54,400 रुपए की गुडविल आ गई इस पूरे फर्म।